अजीतुल्बा, अब हम जो है फ्रस्टम के मुताबिक कुछ मिसालें हल की जाएगी। आइए हम लोग 15.4 एक्सरसाइज मस्क नंबर 15 शहर 4 की पहली मिसाल हल करने की कोशिश करेंगे। आइए पहली मिसाल को हम देखेंगे। एक पानी पीने का गिलास मखरूत के फ्रस्टम के शक्ल का है, जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। इसके दैर्घ्य सरों के कुतर 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। ग्लास की गुंजाइश मालूम कीजिए। तो यह सवाल में क्या दिया गया है कि सवाल में दिया गया इस फ्रस्टम के बाद ग्लास है, ग्लास के दोनों सरों का कुतर दिया गया है और उस ग्लास की ऊंचाई दी गई है। मिसाल के तौर पर हम लोग इसको हल करने की कोशिश करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर फर्ज कीजिए एक दिया गया पानी का एक ग्लास है, इस तरह जो है एक पानी का एक ग्लास है, इस तरह दिया गया फ्रस्टम नुमा शक्ल का है, ठीक है। फिर यह पानी का ग्लास है, इस तरह ग्लास है। फिर यहां दिया गया एक पानी के पीने के ग्लास मखरूत के फ्रस्टम की शक्ल का, तो इस तरह ग्लास है। फिर जिसकी ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई दी गई है। फिर उसके बाद इसके सरों का कुतर दिया गया है, मतलब यहाँ कुतर दिया गया, ये 4 सेंटीमीटर है। फिर ये जो है 2 सेंटीमीटर है। तो इसकी गुंजाइश मालूम करना, वैल्यू मालूम करना है। तो पहले दिया गया क्या, उसको लिखेंगे h इज इक्वल टू, दिया गया h इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर इसका कुतर दिया गया d इज इक्वल टू दिया गया, तो d1 इज इक्वल टू ये होगा 4 सेंटीमीटर। अभी r1 इज इक्वल टू क्या होता है, मतलब इसका आधा हो जाता है, निष्कुतर, कुतर का आधा निष्कुतर है, तो ये होगा 2 सेंटीमीटर होगा। फिर d2 इज इक्वल टू दिया गया, d2 इज इक्वल टू कितना है, 2 सेंटीमीटर है, तो d2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, मतलब कि डायमीटर 2, मतलब नीचे का देखा उत्तर दिया गया, तो इसका निष्कुतर ये r2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है। अब हमें असल में क्या मालूम करना है, गुंजाइश मालूम करना है। तो गुंजाइश से मतलब वैल्यू मालूम करना है, वैल्यू से मतलब हजम मालूम करना, दिस इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन मार्क है। अब हजम इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या, v इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू h इंटू ब्रैकेट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 है, ठीक है, ये साबित है। अब ये साबित में दी गई कीमतों को हम क्या करेंगे, दर्ज करेंगे। अब यहां देखिए v इज इक्वल टू 1/3, अब पाई की जो वैल्यू आपको मालूम है 22/7 बाईस बड़े 7, एच की वैल्यू दी गई 14, ये 14 लिखा गया, r1 स्क्वायर, तो r1 स्क्वायर मतलब ये जो है 2 स्क्वायर होगा, ये 2 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर मतलब ये 1 स्क्वायर प्लस r1 2 इंटू 1 होगा, ठीक है। अब ये देखिए ये जो है 7 1 7 2 होगा, अब 2 × 22 v = 44/3 होगा इंटू ब्रैकेट 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 2 होगा, दिस इज इक्वल टू v = 44/3। ये देखिए 1 + 2 = 3, 3 + 4 × 7 होगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 7 × 4 = 28, 7 × 4 = 28 ये होगा 308/3 होगा। तो v इज इक्वल टू हजम बराबर इसकी गुंजाइश कितनी है, अगर तो तकसीम करेंगे तो ये होगा 102.6 bar, मतलब अब यहाँ पर भी इतना भी आंसर लिख सकते हैं, तो v = 308/3 यहाँ पर भी आपको मुकम्मल जो है मार्क्स मिलेंगे, तो v = 102.6 bar। तो v की जो मकदार है ये 100/2 सेंटीमीटर क्यूब है। अजीतुल्बा, अब जो हम लोग 15.4 की मिसाल नंबर 2 हल करने की कोशिश की जाएगी। देखिए यहाँ पर पहले मिसाल को क्या दिया गया है, मिसाल में क्या करना है, किस तरह मालूम करना है। मखरूत के फ्रस्टम की तिरछी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तिरछी ऊंचाई से मतलब जो माइल बुलंदी जिसे कहा जाता है, जैसे स्लैंट है, और इसके दैर्घ्य सरों के मोहित, मतलब के जो दैर्घ्य सर हैं उनका मोहित दिया गया, एक मोहित 18 सेंटीमीटर है, दूसरा मोहित जो है 6 सेंटीमीटर है। फ्रस्टम की खमीदा सतह रकबा मालूम कीजिए, यानी कर सरफेस एरिया मालूम करना है, मतलब के बैरवी सतह यानी दैर्घ्य सतह रकबा हमें इसका मालूम करना है। आइए अजीत तो हम लोग इसको l = 4 सेंटीमीटर दिया गया है। आइए हम फर्स्ट हम को ड्रॉ किया जाएगा। फर्ज कीजिए इस तरह
एक फ्रस्टम है दिया गया है। अब इसका मोहित किया गया, तो मोहित से मुराद ये जो कर सरफेस एरिया मतलब कि सॉरी ये जो मोहित है आउटर लाइन सी इज इक्वल टू दिया गया सी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर है, ये सी वन इज इक्वल टू, और यहाँ दिया गया सी टू मतलब सी टू इज इक्वल टू दिया गया है वो कितना है 6 सेंटीमीटर दिया गया है। अब याद रखिए जब हमीदी सत्य रकबा मालूम करना है तो हमारे लिए एल की वैल्यू जो 4 सेंटीमीटर दिया गया तो हमीदी सत्य रकबा मालूम करने का जाबिता क्या है, तो सी सी इज इक्वल टू सी एस इज इक्वल टू पाई एल इंटू ब्रैकेट आर वन प्लस आर टू है। यहाँ पर R1 और R2 नहीं दिया गया तो हम पहले R1 R2 मालूम करेंगे फिर साबितों का इस्तेमाल करके तो हमीदी सत्य रकबा मालूम किया जाएगा। अब यहाँ देखिए C1 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। अब दिस इंप्लाइज अब C2 ये 2 पाई R1 इज इक्वल टू 18 है, ठीक है। अब दिस इंप्लाइज R1 इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 2 पाई होगा, ये R1 की वैल्यू मिल गई है। फिर इसी तरह R2 की वैल्यू मालूम करना है, C2 इज इक्वल टू क्या दिया गया, C2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया जा रहा, तो C2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया गया। फिर यहाँ C2 वही काम करेंगे साबिता 2 पाई R है तो यहाँ 2 पाई R2 लिया जाएगा, दिस इज इक्वल टू 6 हो गया। अब दिस प्लस R2 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2 पाई हो गया। अब यहाँ हमें एक काम कर सकते हैं, इसको चाहे तो इसे इक्तसाब भी कर सकते हैं, तो जैसे ये 2 ये जो 9 पाई भी ले सकते हैं, या R1 इज इक्वल टू आप लोग 9 पाई लीजिए ताकि सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल आसान हो। फिर R2 इज इक्वल टू ये 2 वन जा 2 3 जा 6 मतलब 3 अपॉन पाई लीजिए। अब यहाँ पर हमें वैल्यू दर्ज करने की जरूरत नहीं है, R1 इज इक्वल टू 9 अपॉन पाई है, R2 इज इक्वल टू 3 अपॉन पाई है। अब कर सरफेस एरिया यानी हमीदी सत्य रकबा कर सरफेस एरिया इज इक्वल टू फार्मूला क्या, पाई एल इंटू ब्रैकेट आर वन प्लस आर टू है, ठीक है। अब देखिए यहाँ दिस इज इक्वल टू पाई की बैजेट एल की वैल्यू दी गई 4 इंटू 4, आर वन की वैल्यू क्या है 9 अपॉन पाई प्लस आर टू की वैल्यू क्या है 3 अपॉन पाई, दिस इज इक्वल टू ये हो गया इसको पाई इंटू 4 इंटू ये नस्बन मसावी है 9 प्लस ये हो गया 9 प्लस 3 अपॉन पाई राइट, दिस इज इक्वल टू पाई इंटू 4 इंटू ये होगा 12 अपॉन 4 हो गया, ये पाई पाई कैंसिल हो गया, ये जो है 4 इंटू 12 नथिंग बट 48 हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब इसका जो है हमीदी सत्य रकबा कितना है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि जबकि हमें यहाँ वैल्यू दी गई है, तो बहुत बिल्कुल आसान है। तो इस तरह हम लोग जिसतुलबा अब हम जो है फ्रस्टम के मुतालिक एक अहम और ज़रूरी मिसाल एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हल करने की कोशिश कर जी, ये एग्जाम्पल जो है पैरेंट ऑफ एग्जाम्पल बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकती है। अब इस तरह के सवाल इस सवाल को हल करने के लिए इस मिसाल को हल करने के लिए हम फ्रस्टम की तश्किल का थोड़ा सा इल्म होना चाहिए, उसके बगैर हम इसको हल नहीं कर सकते। देखिए आइए पहले मिसाल को समझेंगे, मिसाल में क्या दिया गया, एक मखरूत के कायदे का कुतर जो है 24 सेंटीमीटर है और बुलंदी 20 सेंटीमीटर है, इसके ऊपरी हिस्से से एक छोटे मखरूत को काट कर हटा दिया गया है जिसके कायदे का कुतर 6 सेंटीमीटर है और बाकी ठोस जिस मखरूत के फ्रस्टम होता है और फ्रस्टम का हजम मालूम कीजिए। अजीज तुम्हें इस मिसाल में थोड़ा सा समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मिसाल जो है एक बहुत ही माने रखती है। जैसे मिसाल के तौर पर फर्ज कीजिए, अब यहां देखिए पहले इस मिसाल को हम और एक मरतबा इसको रिपीट करें, एक मखरूत के कायदे का कुतर 24 सेंटीमीटर और बुलंदी 20 सेंटीमीटर है। मान लीजिए हमारे पास एक मखरूत है, एक मखरूत है फिर इसका जो है कुतर दिया गया है। अब इसका कुतर कितना है, जो कुतर इसके अंदर जो है
उत्तर दिया गया है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। फिर इसके जो इसकी बुलंदी दी गई है, ये इस तरह इसकी बुलंदी कितनी है, इसकी बुलंदी लगभग जो है 20 सेंटीमीटर है, तो मतलब इसकी टोटल हाइट कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर यहाँ जो है एक असल में हमें यहाँ दिया गया आर वन, मान लीजिए इसको आर वन इज इक्वल टू 24, मतलब सॉरी डी वन उत्तर दिया गया, तो डी वन इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तो ये आर वन इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो गया, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर और बुलंदी दी गई है, तो एच वन इज इक्वल टू दिया गया, एच वन इज इक्वल टू कितना, 20 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ आगे क्या देखे, इसके ऊपरी सर, मतलब किसके ऊपरी सर, इसके ऊपरी सर, मतलब यहाँ से इसके कायदे के मुताबिक ऊपरी सर, इससे एक छोटे मखरूत को काट कर हटा दिया गया, तो मतलब यहाँ इसको हम लोग क्या करें, इसको काट रहे हैं, यहाँ पर जो काटा गया यहाँ से इसको, मान लीजिए इस यहाँ से इसको काटा गया, ठीक है, तो ये काटा गया, फिर काट कर हटा दिया गया, जिसका कायदा मतलब इसका जो कायदे का जो कुतर है ये कितना है, इसका जो है ये d2 is equal to 6 सेंटीमीटर है, तो ये r2 is equal to 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब यहाँ जो है बाकी ठोस जिस्म, जो बाकी जो ठोस जिस्म है इस मखरूत के फ्रस्टम होता है, इस फ्रस्टम का हजम मालूम कीजिए, तो हमें इस फ्रस्टम का क्या करना है, हजम मालूम करना। अच्छा तो बाकी मालूम फर्ज कीजिए, इसका अगर हजम मालूम करना है, हमारे पास आर वन है और आर टू है और इसकी बुलंदी नहीं है, तो मान लीजिए इसकी बुलंदी मतलब ये जो है ये एच टू हो गया, तो यहाँ तक जो इब्तदाई बुलंदी है एच वन, हमें पहले एच टू मालूम करना है, फिर उसके बाद यहाँ से जो बुलंदी हमें मिलती है, ये जो बुलंदी इस नुक्ते से, मान लीजिए कि मैं इसको पी नाम दे रहा हूँ, ये पी और क्यू, तो ये एच है, पहले हम एच मालूम करना है, अगर इसका अगर हजम मालूम करना है, इसे गुंजाइश मालूम को एच मालूम होना चाहिए, तो किस तरह मालूम करेंगे। एक तो पहली बात, सबसे पहली बात हमको यहाँ क्या करना है, एच टू मालूम करना है। अब एच टू किस तरह मालूम करेंगे, आपका हम लोग जो है इसके राबिते की तस्वीर में पढ़ चुके हैं, यहाँ एक मुसलसल, मान लीजिए इसको ए बी सी नाम दिया गया और ये डी नाम दिया गया, अभी मुसलस ए पी डी और मुसलस ए क्यू सी, इस मुसलस को मुशाबा साबित कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम किन नस्बतों को इस्तेमाल करना है, अब नस्बतों को इस्तेमाल करेंगे तो ये आर टू मतलब ये 12 होगा, फिर इसके बाद ये 3 सेंटीमीटर होगा, नस्बतों को इस्तेमाल करते हुए हम लोग मालूम किया जा सकता है। फर्ज कीजिए मैं यहाँ पर एच टू अपॉन एच वन लिया जाएगा, दिस इज इक्वल टू और आर टू अपॉन आर वन लिया जाएगा। अब यहाँ देखिए एच टू क्या है, एच टू जो है हमें मालूम करना है, फिर एच टू मालूम करने के बाद एच मालूम हो सकता है, फिर जब तक हम लोग एच टू नहीं मालूम करेंगे जो है एच हमें नहीं मालूम हो सकता है। अब एच वन की मिकदार कितनी है, 20 है, इसको हम लिखेंगे 20 एच टू मालूम करना है, एच टू अपॉन 20 लिया जाएगा। अब आर टू की वैल्यू हमको मालूम है, आर टू की वैल्यू कितनी है, आर टू की जो वैल्यू है 3 है, ये 3 अपॉन 12 होगा, ठीक है। अब हम लोग एच टू मालूम करेंगे, तो एच टू किस तरह मालूम किया जाएगा, एच टू इज इक्वल टू 3 × 20 अपॉन 12 होगा, 3 × 1 = 3, 4 = 12, ये 4 × 1 = 4, 5 = 20, एच टू इज इक्वल टू हमको मिल गया 5 सेंटीमीटर। मतलब कि ये इतना जो लंबा इसकी जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर, मतलब कि कायदे के जो है हम लोग 5 से ऊपर से 5 सेंटीमीटर पर इसको काट दिया गया, तो एच मालूम करना है। अब एच किस तरह मालूम करेंगे, इट्स वेरी सिंपल, एच मालूम करना है तो हम लोग एक मालूम याद रखिए, एच टू की वैल्यू एच टू इज इक्वल टू एच वन माइनस एच लिया जाएगा, ठीक है। अभी एच टू कितना है हमारे पास, एच टू जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ये 5 हो गया, दिस इज इक्वल टू एच वन माइनस एच हो गया, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एच बाहर लेता हूँ, ये एच वन माइनस 5 करता हूँ, तो एच इज इक्वल टू एच वन कितना है हमारे पास, एच वन जो है वो 20 सेंटीमीटर है, 20 - 5, ये एच इज इक्वल टू हमको क्या मिल रहा है, 15 सेंटीमीटर मिल रहा है। तो अब एच की वैल्यू मालूम होती है तो बड़ी आसानी के साथ हम जो है एच इज इक्वल टू या जो मिल रहा है वो एच इज इक्वल टू कितना है, एच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है। अब हम जो है हजम बड़ी आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं।
अब इसका हजम जो बकिया इससे का जो हजम जो फर्स्ट टर्म का हजम है v इज इक्वल टू फार्मूला क्या है भाई पाई फार्मूला जो है वन अपॉन थ्री पाई एच इंटू ब्रैकेट आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर वन इंटू आर टू है दिस इज इक्वल टू 1/3 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 एच इज इक्वल टू कितना 15 है आर वन स्क्वायर जो है हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं 12 स्क्वायर ये आर वन जो है 12 स्क्वायर है प्लस आर टू 3 स्क्वायर है प्लस 12 इंटू 3 होगा फिर ये 3 1 3 5 15 होगा दिस इज इक्वल टू ये 22 इंटू 5 अपॉन 7 इंटू 144 मतलब कि 12 का मुरब्बा प्लस 9 प्लस 36 ये होगा अब यहाँ देखिए इसको दिस इज इक्वल टू ये हो गया इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद ये 10 फिर 10 ये कितना होगा 110 डिवाइडेड बाय 5 2 10 प्लस 1 तो 5 2 10 ऐड करेंगे तो ये 7 हो गया फिर नेक्स्ट इनटू इसको ऐड कीजिए ये ऐड करने के बाद जो है हमें वन एटी नाइन हासिल होता है फिर 189 को हम इसको काट देंगे ये हो गया 7 2 14 7 7 14 तो दिस इज इक्वल टू 1 1 10 इंटू 27 हो गया दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कीजिए तो आप यहाँ पर जो है 110 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 27 ये 7 कैरी 2 होगा 27 29 होगा तो दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम इज इक्वल टू 2970 सेंटीमीटर क्यूब इस बाकी हिस्से का जो हजम कितना है बाकी हिस्से का हजम जो है वो कितना है बाकी हिस्से का हजम 2970 सेंटीमीटर क्यूब इसका हजम मान हो गया तो इस तरह हम जो है बाकी एग्जाम्पल को भी हल किया जा सकता है इसके बाद और अहम और ज़रूरी इस पर 5 मार्क्स के सवाल भी पूछे जाने के इम्कान हैं उसको भी हम लोग अगली मिसाल के साथ हल करने की कोशिश करेंगे